उर्दू मज़मून नवेसी मुकाबला अक्टूबर 2021 के तकसीम इनामात ऑनलाइन तकरीब में खुशामदीद। नाज़रीन आदाब, तहमीर न्यूज़ की जानिब से उर्दू मज़मून नवेसी का ऑनलाइन मुकाबला रखा गया था। इस मुकाबले का असल मकसद नौजवान नस्ल में उर्दू की तरवीज और फ़रोग़ के साथ उनकी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना रहा है। ये मुकाबला 7वीं तक 10वीं जमात के स्कूल तलबा के लिए रखा गया। 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मजामीन भेजने के लिए कहा गया था और मजामीन के मौजूआत भी तय किए गए थे। जिस इलाके यानी जिस रियासत में तालिब इल्म का क़याम है उसी रियासत से मुतालिक मौजूआत पर लिखने की शर्त थी जो कुछ तालिब इल्म समझ नहीं सके। बहरहाल मुल्क भर से 130 मजामीन वसूल हुए। जांच के पहले मरहले में 62 और दूसरे मरहले में 20 मजामीन मुख्तलिफ वजूहात के बाइस मुकाबले से खारिज हुए। इस तरह फाइनल जांच के मरहले में 48 मजामीन शामिल रहे। हर एक मजमून को 3 जज साहिबान ने चेक किया और नंबर दिए। तीनों जज साहिबान के मजमूई नंबरात की बुनियाद पर नतीजा जाहिर किया गया। अव्वल, दुवम, सुवम और 3 तरगीबी इनाम पाने वाले तलबा को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तीनों इनाम याफ्ता तलबा को इनाम की रकम कुछ ही देर बाद उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी और जो तलबा इनाम पाने से महरूम रहे वो अपना हौसला बरकरार रखें। उम्मीद है अगले मुकाबले में वो भी इनाम हासिल कर सकेंगे। और हाँ, मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को उनके नाम का सर्टिफिकेट भी ईमेल किया जा रहा है। फर्स्ट प्राइज 3,000 रुपीज़, सुल्ताना खातून, आलम बाज़ार उर्दू हाई स्कूल, कोलकाता। सेकेंड प्राइज 2,000 रुपीज़, अनवर कलीमा, सलामा स्कूल, हैदराबाद। थर्ड प्राइज 1,000 रुपीज़, आशिर जोहान, इस्लामिया बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, वानियामबाड़ी, तमिलनाडु। उर्दू मजमून नवेसी मुकाबले के जजस थे महबूब नगर तेलंगाना से डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, मुजफ्फरपुर बिहार से कामरान गनी सभा और भिवंडी महाराष्ट्र से इनायतुल्ला खां। आप इन जज साहिबान के तासुरात भी यहाँ मुलाहजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, असिस्टेंट प्रोफेसर व सदर शोबे उर्दू NTR डिग्री कॉलेज महबूब नगर। इदारा तामीर न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम हाल ही में कौमी सतह पर उर्दू में जो तहरीरी मुकाबले मुनाकिद किए गए थे उन मुकाबलों में हकम यानी जज के फ़राइज़ अंजाम देने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले मैं तामीर न्यूज़ के मुदीर जनाब करम न्याज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये तहरीरी मुकाबले रखा है और उर्दू में तलबा में तहरीरी सलाहियतों को निखारने का एक मौका फराहम किया। उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए ख़ास तौर से इंटरनेट पर यूनिकोड में उर्दू मवाद की फराहमी में गुज़िश्ता 10-15 साल से मुकर्रम नियाज़ साहब आलमी सतह पर एक नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं और तामीर न्यूज़ पर मुख्तलिफ मौजूआत पर किताबें पेश करते हैं और हालात हाजरा के मुताबिक वो मवाद पेश करते रहते हैं। और उनका कहना यही है कि उर्दू में गूगल सर्च में हमको मतलूबा मवाद मिलना चाहिए, तो उर्दू के फ़रोग के सिलसिले में ही उन्होंने ये एक तजवीज़ रखी थी कि कौमी सतह पर बच्चों के लिए तहरीरी मुकाबले रखे जाएं। उसके लिए उन्होंने तजावीज़ रखी
और PDF की शक्ल में तहरीरी मुकाबलों के मजामीन जो है उन्होंने बच्चों से तलब किए। मौजूआत थे कि अपने इलाके के किसी तारीखी शख्सियत या इलाके के बारे में तारुफ पेश किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा मजामीन उन्हें मौसूल हुए। मैं जिन तलबा ने हिस्सा लिया है उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनमें से 48 मजामीन जजेस को दिए गए थे पढ़ने के लिए। तलबा ने बहुत ही अच्छा लिखा, ओरिजिनल मवाद था, और जो इनाम याफ्ता तलबा है मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने मौजू से इंसाफ किया। जैसे इनाम जो मिला है एक लड़की को हैदराबाद की, मीर उस्मान अली खान के बारे में उन्होंने लिखा। इसी तरह इनाम अव्वल जो शहर कोलकाता का तारुफ है, इसके अलावा जो दीगर इनामात तलबा को मिले हैं सभी ने अपने मौजू से इंसाफ किया और अच्छा लिखा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये तलबा आगे भी लिखते रहें और अपनी सलाहियतों को निखारें। उर्दू वाले जो भी काम कर रहे हैं, मौजूदा ज़माने में उर्दू के मसाइल यही है कि उर्दू ज़बान का जो चलन है उसे आम किया जाए, बोलचाल की ज़बान बनाई जाए, सोशल मीडिया पे हम लोग अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करें और नई नस्ल को भी तरगीब दें कि वो उर्दू में पढ़ने लिखने लगें। अगर हम कोशिश करेंगे तो ये ज़बान बाकी रहेगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बान टेक्नोलॉजी से भी जुड़ गई है और इंटरनेट के ज़रिए से हमें बहुत से मौजूआत पर उर्दू में मवाद मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मजामीन है तांबिर न्यूज़ पर लगाए जाएंगे और दीगर तलबा भी उन्हें पढ़कर तरगीब लेंगे। तो मैं सभी इनाम याफ्ता तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए मुदीर जनाब मुकर्रम नियाज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी किस्म के तामीरी सिलसिले जारी रखेंगे और उर्दू ज़बान व अदब को फ़र्ग देंगे। शुक्रिया। उर्दू मजमून नवीसी मुकाबले के कामयाब इनेकाद पर तामीर न्यूज़ और उसके एडिटर जनाब सैयद मुकर्रम नियाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्दू मजमून नवीसी का ये मुकाबला इस एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल कहा जाएगा कि ये मजमून नवीसी का मुकाबला तलबा व तालबात के लिए ख़ास था। इस मुकाबले के तवस्सुत से मुल्क भर के तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया और अपनी छुपी हुई सलाहियतों को मंजरेआम पर लाने की कामयाब कोशिश की। आज के इस अहद में कि जब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कसरत से बढ़ गया है, यकीनी तौर पर तलबा व तालबात की तहरीरी सलाहियतें मुतासिर हुई हैं, लिखने पढ़ने का रुझान कम हुआ है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तलबा व तालबात की तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को सामने लाने की संजीदा कोशिशें होनी चाहिए, जिस सम्त में मुझे कहने दीजिए कि खातिर ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये काम दरअसल स्कूल इंतज़ामिया का है, लसानी और अदबी तनजीमों और अंजुमनों का है। सैयद मुकर्रम नियाज काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने जो काम इदारों का था, अंजुमनों का था, स्कूलों का था, वो काम उन्होंने इनफरादी सतह पर किया है और बहुत कामयाबी के साथ किया है। और काबिल इत्मीनान बात यह है कि उन्हें दानिशवरान अदब, दानिशवरान उर्दू का तआवुन हासिल हुआ और इस मुकाबले की खातिरख्वाह पज़ीराई भी हुई। कौमी सतह पर असातिज़ा ने, दानिशवरान उर्दू ने इस मुकाबले की सताइश की। मैं इस मुकाबले में कामयाब होने वाले तमाम तलबा व तालबात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन तलबा व तालबात को नुमाया मकाम हासिल ना हो सका, उन्हें कबीरा खातिर होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया, यकीनी तौर पर मुकाबले में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मैं समझता हूँ कि अगली बार जब कोई तहरीरी या तकरीरी मुकाबला होगा वो उसमें हिस्सा लेंगे तो ये मुकाबला उनके लिए मुआविन साबित होगा। इस मुकाबले से जो उन्होंने सबक हासिल किया है, जो तजुर्बा हासिल किया है, वह आइंदा उनके काम आएगा। एक अहम बात इस तरह के मुकाबले की और यह भी होती है कि इस तरह के मुकाबले तलबा व तालबात के अंदर खुद एतमादी पैदा करते हैं, उनकी तख्लीकी शऊर को परवान चढ़ाते हैं, उनकी जहनी और फिक्री नशोनुमा में मुआविन साबित होते हैं और ये एतमाद दूसरे मौजूआत में उनके काम आता है। तो मैं समझता हूँ कि जनाब सैयद मुकर्रम नियाज ने तामीर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो एक मिसाल पेश की है, जो एक नमूना दिया है, इस पर दूसरे
ادارے اور انجمنیں بھی غور کریں گی اور طلبہ و طالبات کی تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اس طرح کے مقابلے کا کثرت سے انعقاد کیا جائے گا۔ نیز جس طرح سے سید مکرم نیاز نے انفرادی طور پر ایک بڑا تحریری مقابلہ منعقد کیا، اگر دانشوران اردو انفرادی سطح پر بھی چاہیں تو اس طرح کا مقابلہ منعقد کر سکتے ہیں، یہ ثابت کیا ہے جناب سید مکرم نیاز نے۔ ایک بار پھر میں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون والقلم وما یکتبون، نیشنل مضمون نگاری مقابلے میں شریک تمام ہی طلبہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو لوگ اس مقابلے میں کامیابی حاصل کیے ہیں ان کو بھی خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو مزید علم و فضل اور ترقی سے نوازے۔ بچوں سے گزارش ہے کہ وہ مسلسل لکھتے رہیں اور مایوس نہ ہوں، لکھنے کے بعد خود ہی اپنی اصلاح کرے، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ سے مدد لے۔ یہ لکھنا بہت پاکیزہ عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت تو بڑی اہمیت ہے، موجودہ دور میں بھی اس کی مزید اہمیت ہو جاتی ہے۔ انسان قلم کے ذریعے اپنے خیالات، اپنے احساسات اور اپنے آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو قلم بند کرتا ہے۔ یہ بہت بہت اہم فن ہے، یہ اسی وقت آئے گا جب آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا، آپ خود جو ہے مطالعہ کریں گے، جو جتنا مطالعہ کرے گا وہ اس کی تحریر اور اس کی تقریر میں نکھار پیدا ہوگا۔ اس لیے لکھنے کے لیے ضروری ہے ایک رائٹر کے لیے خوب مطالعہ کرے، کتابوں سے اس کی خوب دوستی ہو جائے، اور جب وہ خوب پڑھے گا تو خوب لکھے گا اور بہت اچھا لکھے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب مکرم نیاز صاحب جنہوں نے تنے تنہا یہ بہت ہی اہم کام کیا اور اس کے لیے اقدام کیا، کوششیں کی اور ایک ٹیم ورک کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ پورے ملک سے 100 سے زائد بچوں نے قلم اٹھایا اور لکھا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اردو مضمون نویسی مقابلہ اکتوبر 2021 کے تقسیم انعامات آن لائن تقریب کا اختتام عمل میں آیا، ناظرین کا شکریہ۔